बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में संचालित परिषदीय स्कूलों के क्रियाकलापों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महानिदेशक बेसिक विजय किरण आनंद ने प्रेरणा ऐप कायाकल्प योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों, परिषदीय स्कूलों के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने, उनके डिजिटल मार्कशीट के वितरण सहित बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डेट के प्रचार व उप शिक्षा निर्देशक डॉ. भूपेंद्र कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सूचना आप लोगों से मांगी गई थी, बहुत अच्छी बात है कि आप में से जो है अधिकतर लोगों ने सूचना दे दी है। 12 जनपद ऐसे हैं जिन्होंने सूचना, मैं सबसे पहले उन 12 डाइट्स का नाम पढ़ देता हूं जिन्होंने सूचना को जो है गूगल सीट पे नहीं भरा है। पहला जनता से गूगल सीट नहीं मिली है, सभी मेल पे नहीं आई है, कभी मैंने 10 बजे तक देखा है। जी सर, गूगल कभी मैंने 10 बजे तक देखा है, 10 बजे तक आपकी गूगल सीट नहीं आई है सर, और ना DG साहब की तरफ से आई है। हाँ, अक्टूबर में ये 10 स्कूल का प्रमाण ऑनलाइन पोर्टल पर दिख जाना चाहिए, इसके ज्यादा नहीं कहूंगा। सर, एक से अधिक बीट नहीं आ पा रही है, किस तरह से चयन किया जाए सर, यही नहीं समझ आ रहा है। मैडम सुन लीजिए, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये सर्वाइवल की समस्या नहीं है, ये इससे ज्यादा बीट नहीं आ रही है, इसका मतलब आपके बीट पैरामीटर बिल्कुल बकवास है। जिम में बहुत सारे वेंडर्स हैं, हम लोग यहाँ गाड़ी का वेंडर करते हैं तो 50,000, 4,000, 8,000 बिल करते हैं। आपके यहाँ कुछ आ गया है तो इसका मतलब आपका जो भी खेल आदमी है नीचे उसने ऐसा खेल किया है कि एक आदमी को ही फायदा मिलने वाला बिल बना दिया है। सर, इस या तो आप इससे अनजान है, इस बात का भी मैं इनकार नहीं करूंगा कि आप जानते हैं, फिर भी इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं सर, जानकारी कम है, अभी नए पद पर आए हैं। 20 साल सरकारी नौकरी में, 20 साल 25 साल नौकरी में रहने के बावजूद एक छोटा सा टेंडर करने में नहीं है और इतने बड़े पद पे आप बैठे हैं, कैसे मानो? सर, जेब पोर्टल वाली समस्या है, ऑनलाइन माध्यम है, पैरामीटर को सॉल्यूशन कर रहे हैं।